अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फैमिली। तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे, मेरा वीडियो देख रहे हो तो अच्छे ही होंगे। अच्छे रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, खुश रहो अपने अपनी लाइफ में। तो जी, सुबह हो गया है, सुबह का टाइम हुआ है, अभी 9:30 होने आया है। आहिल भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना है और यही वाला यूनिफॉर्म पूरा बिगाड़ के आया है वो, तो ये वाला यूनिफॉर्म ही मुझे लेने जाना था। तो सुबह में नाश्ता गिश्ता बन चुका है, मैंने रात को भिगा हुए चावल भिगा के रखी थी, तो सुबह में वही पीस के वही नाश्ता बनाई हूँ। और अम्मा भी नाश्ता कर चुके हैं, अभी यहाँ पर है मेरा नाश्ता। तो ये वाले डोसे हैं, तो देख लीजिए, यहाँ से देखे तो पूरा दिखता है ना, ये वाले डोसे हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, देख लीजिए खड्डे खड्डे। तो ये वाला नाश्ता मुझे बहुत पसंद है, ज़्यादातर गोश्त का सालन रहता है ना, तभी मैं ये वाला नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि आहिल को भी पसंद है, सब जन खा लेते हैं। तो आहिल का नाश्ता हो चुका है, आहिल भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अम्मा भी ठीक है, तो आहिल के पापा भी ठीक है। तो आहिल अस्सलाम वालेकुम कर बेटे, आज एग्ज़ाम कौन सा? हाँ, तो जो आज कनाडा एग्ज़ाम है, कल होगा सोशल। तो अम्मा जाके बाहर बैठे हैं खान नाश्ता करने के बाद, मैं आने के बाद करूँगी नाश्ता, क्योंकि आज मेरी बारी है इसे छोड़ के आने की। तो चलिए, मैंने सोचा कि सुबह सुबह से ही ब्लॉग बनाएं, क्योंकि सुबह से ही एनर्जी अच्छी रहती है। कल थोड़ी एक गोली खाई थी ना, तो कल से मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो इसकी वजह से तैयार हो चुके हैं। दुपट्टा बांधने का एक बाकी है, तो देख लीजिए ऐसा करके आया है पूरा कपड़ा, है ना, शाही 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 कराए तो मुझे पहनाने में गंदा लग रहा है। तो मैं एक दिन कलर ड्रेस पहना के भेजी तो मैम गुस्सा करे, इसके वजह से मैं वही ड्रेस पहना के भेज रही हूँ, क्या करूँ। तो कल गई तो है यूनिफॉर्म, लेकिन वो निकालना पड़ेगा पैकेज में से बोले, तो कल लेके नहीं आई। लेकिन आज शाम में जाएंगे ना, 3 बजे छूट रही है स्कूल जल्दी एग्जाम की वजह से, तो दोपहर में लेके आऊंगी, कल से कंटिन्यू नया यूनिफॉर्म पहनाऊंगी। तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा बच्चा, क्योंकि क्लीन जाता था मेरा बच्चा, लेकिन ऐसा करके आया है, बड़ा हो रहा है लेकिन एक एक बार ऐसा कर लेता है, पेन से ऐसा ऐसा करने की वजह से पूरी शाही शाही लग चुकी है। तो चलिए उसको थोड़ा पाउडर वाउडर लगाऊंगी और उसका टिफिन विफिन बांध के रख चुकी हूँ। तो अभी इसे भेज के आने के बाद काम कंटिन्यू करेंगे। काम तो मेरे अम्मा ने सुबह उठ के है ना कचरा झाड़ू मार लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, मेरा पूरा काम करने के बाद और एक बार झाड़ू मारती हूँ, पोछा लगाती हूँ। तो इतना है खाना और सालन बनाने का रहता है। तो चलिए ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में, और कल के ब्लॉग में भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला है, ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखते रहो और शेयर करते रहो, तो मुझे भी खुशी लगती है काम करने के लिए, और भी मैं अच्छे से काम करूँगी। तो ऐसा है, तो मैं यहाँ पे दिख रही हूँ बात करते हुए, तो चलिए ऐसे ही बने रहना। ऐसे बैग पहन के भाग रहा था, शूज नहीं पहन रहा था, ऐसा करता है। तो जी फ्रेंड, छोड़ के आ गई, तो गाड़ी की चाबी यहाँ पे अटकाएंगे, अभी नाश्ता करूंगी थोड़ा चाय गर्म करके। तो आप सोच रहे होंगे कल से ही वाले ड्रेस में हूँ, तो कल नहाने के बाद ये पहनी थी, तो आज निकालेंगे। तो ऐसा है, उसमें ये वाली वर्णी मुझे कम्फर्टेबल लगती है, क्योंकि फुल कवर होती है इसकी वजह से। तो चलिए अभी मैं चाय गर्म करूँगी, चाय और नाश्ता कर लूँगी, इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, दोपहर में क्या बनाना है सोचना है उससे। तो ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो जी, काम पूरा फिनिश हो गया, देख लीजिए यहाँ पे पूरा काम फिनिश हो गया है। तो अभी मुझे बनाना है सब्जी, तो यहाँ पे अम्मा रोटी डाल चुके हैं, तो देख लीजिए अम्मा रोटी बना के सरक लिए। अभी मेरा काम है कैबेज की सब्जी बनाना, चावल तो पक चुका है, थोड़ा सालन है, तो चलिए अभी बनाएंगे कैबेज की सब्जी। तो जी, मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ कैबेज की सब्जी, तो मेरा सिंपल सा तड़का रहता है, इसमें राई डालो, जीरा डालो और करी पत्ता। तो डालने वाले इसमें उड़ीद की दाल भी डाल के तड़का लगाते हैं, तो चने की दाल भी डालते हैं, और मैं इसमें प्याज नहीं डाली थी, कैबेज में ही कट करके डाल दी थी तड़के में। तो मैं टमाटर और हरी मिर्ची को ही भून रही थी, तो देख लीजिए यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची को अच्छी तरीके से भून लूँगी और कैबेज को इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद वही हमारा जो साधारण मसाला रहता है, नमक, हल्दी पाउडर, जो गरम मसाला आपके घर में रहे तो गरम मसाला, हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट रहा तो भी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी माशाल्लाह, मेरी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, कैबेज की सब्जी है ना, थोड़ी सी करंची रही तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मिर्ची लंबी डालने का कारण यही है कि ये मिर्ची बहुत तेज़ है, चाहिए तो ऐसे भी खा सकते हैं रोटी के साथ, नहीं तो काट के फेंक सकते हैं। छोटे छोटे करें तो आहिल को भी नहीं मिलेगी, अम्मा को भी नहीं मिलेगी, ऐसा रहता है।
तो सब्जी है ना बन चुकी है, मैं इतना ही रखूंगी, बहुत ज्यादा गलाती नहीं मैं। चाहे तो आप इसमें दाल भी डाल सकते हो, मैं दाल गिल कुछ नहीं डालती, सिंपल सी सब्जी बनाती हूँ, टेस्टी बनती है। तो चलिए अब थोड़े देर के बाद मिलूंगी, देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो अभी सब्जी तो बन के तैयार है, सब कुछ हो गया, अभी पोचा एक लगाना बाकी है थोड़ी देर के बाद। तो चलिए तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक अभी अभी घर में थी तो अचानक अभी कहाँ पे आ गए। तो अचानक बैठे बैठे है ना ये प्लान बन चुका बन गया हमारा, क्योंकि हमारे जो ओनर है उनकी बच्ची क्लास में स्कूल में है ना मतलब कॉलेज में रैंकिंग थी, फर्स्ट रैंकिंग में पास हुई थी, तो उसके उसे अवार्ड दे रहे थे। तो अभी वो बच्ची नहीं है तो वो अपने जॉब पर चले गई थी, तो मैं और आपा थे तो दो जन हम गए थे अवार्ड लाने के लिए। लेकिन इतना खुशी हुई मुझे तो, सच में दिल से खुशी हुई, प्राउड मोमेंट था ये एक, हम एक हर एक लड़की के माँ बाप के लिए। मैं वैसा ही चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए भी ऐसा कुछ लाइफ में करे, क्योंकि हज़ारों लोगों में बुला के जब नाम पुकार के हमें अवार्ड देते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत कल खुशी हो गई सुन के, उसका नाम सुनी और उनके अम्मी को बुला के स्टेज पे उनको अवार्ड दिए है ना। और एक बात क्या बोले तो वो उस कॉलेज में है ना मतलब 25% 25 में कितने बोलते हैं 75% है ना नॉन मुस्लिम थे, तो 25 उतना ही मुस्लिम थे। तो उतने पूरे बच्चों में एक ही लड़की मुस्लिम की हमारी जो फर्स्ट नंबर पे आई, मतलब पूरे कॉलेज को फर्स्ट आई है, जो मेरा चैनल, हाँ जो मेरा चैनल भी मुझे बना के दी है आफरीन, तो वो लड़की, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि अनाउंस करके बुलाए थे उसको, तो मेरा तो सीना चौड़ा हो गया था देख के। कल को मेरे बेटे को भी यही बोलूँगी मैं, अच्छा पढ़ के अच्छे से नाम रोशन करे तो अच्छा है। तो देख लीजिए बहुत बड़ा फंक्शन बनाए थे, मतलब स्वागत दे रहे थे, बना रहे थे, तो अच्छा लगा मुझे, थोड़ा थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा और आपको भी खुशी लगी होगी, क्योंकि एक बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं है ना घर में जो भी हम पेरेंट्स रहते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को। जब एक हमारे उम्मीद पे खड़े रहते हैं ना तो बहुत खुशी लगती है ना। तो ये है ना नर्स का था, वो नर्स की यहाँ पे कोई मार रहे थे, तो ये नर्स की कोचिंग थी, तो मेन इम्पोर्टेंट यही समझा रहे थे। अभी देखो डॉक्टर बन रहे थे तो हमारी बच्ची डॉक्टर पढ़ी करी है, लेकिन इसमें नर्स का भी है कोचिंग। तो नर्स लोग है ना ये बता रहे थे कि वहाँ पे डॉक्टर से इम्पोर्टेंट नर्स होते हैं, सच में नर्स होते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमें बादू मिलता है लेकिन सबसे पहले नर्स मिलती है हमें, नर्स बताती है और ज़्यादातर पेशेंट के साथ पास है ना नर्स ही रहती है। तो यहाँ पे वही इम्पोर्टेंट दे रहे थे कि नर्स को हम इम्पोर्टेंट देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट के पास रहती है नर्स। तो ये सब था, लेकिन नर्स भी ज़्यादातर है ना लेडीज़ ही थी वहाँ पे, वही बोल रहे थे, वो भी जो भाषण कर रहे थे ना वहाँ पे वही बोल रहे थे लेडीज़ बहुत आगे है जेंट्स के से मुताबिक, ऐसा बोल रहे थे। मुझे बहुत खुशी लगी। तो आप चारों तरफ भी देख लीजिए, लेडीज़ ही लेडीज़ थे है ना। तो अभी ये कुछ बोल रहे थे, मतलब क्या देते थे वो अग्नि में प्रमाण क्या क्या दे रहे थे शायद, अत्यंत जीवन संतोष दिन कड़े। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद है ना भाषण करने के बाद नाम लेके पुकारते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो भी आए थे ना ये करने के लिए फंक्शन को, तो उनको सभी वो फूल दे के स्वागत कर रहे थे। तो जो भी पुलिस उन आए थे वो चले गए थे थोड़ी देर के बाद बैठने के बाद। और यहाँ पे कबड्डी में फर्स्ट आए हुए और सब में थोड़े थोड़े इसमें फंक्शन में फर्स्ट आए हुए बच्चों को भी है ना ये दे रहे थे, अवार्ड दे रहे थे। तो देख लीजिए ये सब अच्छा लगता है, ये सब बच्चे करे तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें खासकर लड़कियाँ करे तो बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत मस्त लगता है। नोड़ी इवत लैंपिंग नाइटिंग प्रमाण महि आदर्श महि कनस बंद ती बंद दयविट्टु बंदुबिट्टु गौरव स्वीकरिसबेकु अंत केळ्ता इदीनि अफ्रीन अवर ताई अल्ली इद्दारे दयविट्टु बन्नि प्रथम फस्ट बंदाळक्के कॉलेजिगे तो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग विभागदिंद अवर मम्मी ना आंटी
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರಾವಣಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೀರಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ तो जी ये थे हमारे ओनर मतलब हमारे जो इस कॉलेज में प्रथम आई है मतलब फर्स्ट आई है उनकी अम्मी हमारे ओनर। ये बोलने को मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है क्योंकि हर एक माँ बाप का हर एक पेरेंट्स का यही सपना रहता है कि अपने बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ करे कुछ ना कुछ मकाम बनाए क्योंकि हम बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं ना। फिर भी इनकी बेटी है ना बहुत अच्छे से पढ़ी मतलब इस कॉलेज में पूरे पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई है तो सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था। लग रहा था कि मेरी ही बच्ची कुछ ऐसा काम करी होगी ऐसा लग रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा क्योंकि स्टेज पे बुलाना इज्जत देना अवार्ड देना वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और अपने जो भी बच्चे हैं बच्ची है बच्चा है जो भी है उनको अच्छे से पढ़ाइए और ऐसा ऐसा कुछ मोमेंट होता तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखना बाय बाय।